समांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्या के डिवोर्स पर तेलंगाना मिनिस्टर कोंडा सुरेखा को कमेंट करना पड़ गया भारी। एक तरफ जहां खुद समांथा और नागा समेत कई ए लिस्ट स्टार्स ने कोंडा सुरेखा को इसके लिए क्रिटिसाइज किया, वहीं फैंस ने अपनी जबरदस्त नाराजगी भी जाहिर की। ऐसे में क्या इंडस्ट्री और फैंस से मिल रहे क्रिटिसिज्म के प्रेशर में आकर कोंडा को अपना ट्वीट करना पड़ा विड्रॉ? वेल, समांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्या एक टाइम पर इंडस्ट्री के एक फेवरेट कपल के रूप में जाने जाते थे, लेकिन फिर दोनों म्यूचुअल एक दूसरे से अलग हो गए। और जबकि समांथा और नागा ये दोनों ही स्टार्स अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। हाल ही में तेलंगाना मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने समांथा और नागा के डिवोर्स पर अपने कॉमेंट से कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि समांथा और नागा के सेपरेशन के लिए केटी रामाराव जिम्मेदार है। इसके बाद समांथा रूथ प्रभु के साथ अक्किनेनी परिवार से नागार्जुना, अमला, नागा चैतन्य और अखिल सब ने कोंडा सुरेखा के एलिगेशन को स्ट्रांगली कंडेम किया टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड डिग्निटी। समांथा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ कहा कि ये डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है एंड देयर वाज नो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्वड। उन्होंने अपने डिवोर्स को लेकर किसी भी तरह की स्पेकुलेशन ना करने की रिक्वेस्ट भी की है। नागा ने भी सुरेखा के क्लेम्स को फॉल्स और अनएक्सेप्टेबल बताया। जूनियर एनटीआर वाज वन ऑफ अमंगस्ट द फर्स्ट फ्यू सेलिब्रिटीज टू कॉल आउट कोंडा सुरेखा फॉर हर कमेंट्स। ही सेड दैट ड्रैगिंग पर्सनल लाइव्स इनटू पॉलिटिक्स इज अ न्यू लो। ही शेयर्ड अ स्टेटमेंट विद द हैशटैग फिल्म इंडस्ट्री विल नॉट टॉलरेट। नानी विदाउट मेंशनिंग कोंडा सुरेखा रोड दैट इट वाज अ रिस्पांसिबल ऑफ अ पर्सन हु sitting in a respectable position to make such comments. वहीं समांथा के फैंस को भी कोंडा की ये बातें एकदम पसंद नहीं आई और वो इसके लिए उन्हें स्लैम करने लगे। फैंस की इस नाराजगी के चलते अब तेलंगाना मिनिस्टर कोंडा सुरेखा को न सिर्फ अपने बयान को वापस लेना पड़ा बल्कि उन्होंने समांथा की तारीफ भी की। सुरेखा ने एक हैंडल पर तेलुगु में एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर समांथा या उनके फैंस उनके कॉमेंट्स से हर्ट हुए हैं तो वो अपने कॉमेंट्स बिना किसी कंडीशन के विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी क्लैरिफाई किया था दैट हर इंटेंशंस वाज ओनली टू क्वेश्चन अ लीडर्स वे ऑफ ट्रीटिंग वुमेन और समांथा के इमोशंस को हर्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं था। एक और पोस्ट में सुरेखा ने लिखा प्लीज डोंट थिंक अदरवाइज और अपने कमेंट्स को अनकंडीशनली वापस लेने की बात की। लेकिन लगता है नेटिजन्स अब भी खुश नहीं है और उन्होंने सुरेखा को सिर्फ कमेंट्स वापस लेने के बजाय माफी भी मांगने की सलाह दी है। डांसिंग दीवा नोरा फतेही ने पेरिस फैशन वीक में अपनी शानदार अपीयरेंस दर्ज कराई और अपने क्लासी विंटर फैशन लुक से जीत लिया सबका दिल। जी हाँ, यहाँ नोरा ने अपने स्टाइलिश अवतार से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनका ये लुक अब सोशल मीडिया पर छा गया है और फैंस उनके स्टाइलिश एंड हॉट अवतार को देखकर दीवाने हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं नोरा के ग्लैम लुक को डिकोड। इस इवेंट के लिए नोरा ने एक फिगर हगिंग वाइड ड्रेस पहनी और अपनी कर्वी बॉडी को फ्लॉन्ट किया। इसके साथ उन्होंने एक ब्राउन फुल लेंथ ट्रेंच कोट कैरी किया जो उन्हें ओल्ड मनी एस्थेटिक दे रहा था। फुल फॉल वाइब्स को मैच करते हुए नोरा ने लॉन्ग हाई हील्ड बूट्स पहने और अपने विंटर फैशन गेम को बनाया परफेक्ट ताकि वो पेरिस की खूबसूरती एंजॉय करते हुए भी एकदम स्टाइलिश लगे। अपने इस लुक के साथ नोरा ने एक हैंडबैग चूज किया। एक्सेसरीज में उन्होंने एक चंकी गोल्ड टोन्ड नेकलेस कैरी की जो मैचिंग हुप इयररिंग्स और एक सिंपल डेंटी रिस्ट वॉच के साथ उनके आउटफिट को बिना ओवर शैडो किए कर रहा था कंप्लीट। नोरा ने सॉफ्ट मेकअप किया था विद गोल्ड ब्राउन आई शैडो, डेलिकेट ब्लैक आई लाइनर, मस्कारा, ब्रॉन्ज्ड चीक्स और हाईलाइटर का एक हल्का टच और न्यूड ग्लॉसी लिप्स जिसने उनके ओवरऑल लुक को कॉम्प्लीमेंट किया। जबकि हर हेयर वॉज ब्लो ड्राइड एंड लेफ्ट टू कैस्केड सॉफ्टली डाउन हर बैग जो स्टाइलिश फ्रंट बैंग्स मिडिल पार्टिंग के साथ उनके फेस को ब्यूटीफुली फ्रेम कर रहे थे। और अपने इस लुक के साथ नोरा फतेही ने न सिर्फ पेरिस को स्टाइल में कॉन्कर किया बल्कि लोगों को कुछ मेजर फैशन इंस्पिरेशन भी दी। सही स्टाइलिंग के साथ वॉर्म अटायर को कैसे स्टनिंग बनाया जा सकता है ये तो कोई नोरा से सीखे। We'll be right back.
उस इंसिडेंट के दौरान आप वहाँ पर मौजूद थी थोड़ा देर? आप सुबह उनको लेकर आई थी अस्पताल? आप क्या गोविंदा को लगी गोली सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे हो सकती है कोई कॉन्स्पिरेसी? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस एक्टर की मिसफायर स्टोरी से नहीं है फुली कन्विंस्ड। यस यू हर्ड इट राइट, गोविंदा के मिसफायर इंसिडेंट में जहां पुलिस को पहले किसी फाउल प्ले का कोई सबूत नहीं मिला था, वहीं अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अथॉरिटीज गोविंदा के स्टेटमेंट को लेकर स्केप्टिकल हैं और उन्हें फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए कॉल कर सकती हैं। आपको बता दें, रिसेंटली गोविंदा के लेग में गोली लगी थी जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनकी गोली निकाली। अब वो ठीक है लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है और सेलिब्रिटीज उन्हें विजिट कर रहे हैं। गोविंदा के साथ हुए इस पूरे इंसिडेंट को एक हादसा बताया गया है। जब मुंबई पुलिस ने गोविंदा से बात की तो उन्होंने कि कैसे जब वो अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ करके कबर्ड में रख रहे थे तभी गलती से गोली चली और उनके पैर में लग गई। ऐसे में पुलिस ने अभी कोई एफआईआर फाइल नहीं की है लेकिन अब ऑफिसर्स गोविंदा के बयान से सैटिस्फाइड नहीं लग रहे। एक सोर्स ने कहा है कि ऑफिशियल्स गोविंदा की स्टोरी से पूरी तरह से कन्विंस नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीक्षित केदाम ने भी कहा, वी हैव रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट एज अ मिसफायर फ्रॉम अ लाइसेंस रिवॉल्वर, नो एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड एट दिस टाइम, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द इंसिडेंट अकर्ड। गोविंदा के साथ हुए इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा कि गोविंदा वाज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर कोलकाता एंड वाज पुटिंग हिज लाइसेंस रिवॉल्वर बैक इन द कबर्ड व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड द गन वेंट ऑफ हिटिंग हिम इन द लेग। द डॉक्टर हैज रिमूव्ड द बुलेट एंड हिज कंडीशन इज स्टेबल, ही इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। वहीं मीडिया से बात करते हुए गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने कहा, उस इंसिडेंट के दौरान आप वहाँ पर मौजूद थी थोड़ा देर? आप सुबह उनको लेकर आई थी अस्पताल? पापा इज गेटिंग बेटर, गॉड इज बीन रियली काइंड, आप लोग प्लीज उनको अपने प्रेयर्स में, ब्लेसिंग्स में आप प्लीज उनको कंटिन्यूसली रखिए। सब कुछ ठीक है, अभी ICU से ही इज कम बैक टू द नॉर्मल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज गुड नाउ, ही इज हेल्दी हैप्पी, प्लीज अपना प्रेयर्स कंटिन्यू रखिएगा। वहीं इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और गोविंदा जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, उनसे मुंबई पुलिस दोबारा से पूछताछ करेगी। क्या तृप्ति दिमरी ने प्रॉमिस करने और पैसे लेने के बाद एक इवेंट को किया मिस? तृप्ति दिमरी के खिलाफ लगे बड़े आरोप और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की कही जा रही है बात। आखिर क्या है ये पूरा मामला? वेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक तृप्ति दिमरी को जयपुर में एक स्केड्यूल्ड इवेंट को मिस करने पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने क्रिटिसाइज किया है। ऑर्गेनाइजर्स ने एक्ट्रेस पर 5 लाख का एडवांस पेमेंट लेने का आरोप लगाया है और अब उन्हें बॉयकॉट करने की भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तृप्ति ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया है। वहीं कुछ पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं जहां कुछ फीमेल्स को तृप्ति के पोस्टर पर अपना गुस्सा निकालते हुए देखा जा सकता है। इस पर तृप्ति की टीम ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने इवेंट अटेंड करने की किसी भी कमिटमेंट को डिनाई किया। वैसे ये कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब एक वीडियो सामने आया जिसमें तृप्ति जयपुर इवेंट अटेंड करने की कंफर्मेशन देती नजर आ रही हैं। ये वीडियो इवेंट ऑर्गेनाइजर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने मेंशन किया कि फोन पर उन्हें बताया गया था कि तृप्ति जल्दी पहुंचेंगी लेकिन वो एंड में नहीं आई जिससे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने एक्ट्रेस के खिलाफ लीगल एक्शन की धमकी दी है और जयपुर में तृप्ति और उनकी अपकमिंग फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को बॉयकॉट करने की बात की है। इसके जवाब में तृप्ति की टीम ने स्टेटमेंट दिया, ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रमोशनल कैंपेन फॉर हर फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तृप्ति दिमरी फुली ऑनर्ड हर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस अटेंडिंग ऑल स्केड्यूल्ड इवेंट्स एंड सेशंस रिलेटेड टू द फिल्म, नोटेबली शी डिड नॉट पार्टिसिपेट और कमिट टू पार्टिसिपेट इन एनी पर्सनल अपीयरेंसेस और इवेंट्स बियॉन्ड हर प्रमोशनल ड्यूटीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट नो एडिशनल फीस और पेमेंट्स वर एक्सेप्टेड फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज। वेल, तृप्ति ने स्टेटमेंट देकर इन आरोपों से इनकार किया है। अब देखना होगा क्या जयपुर के इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स तृप्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं या नहीं।
क्या SRK किंग और पठान 2 के बाद अपनी थर्ड फिल्म को भी कर रहे हैं फाइनल? क्या स्त्री 2 की सक्सेस के बाद दिनेश विजन और अमर कौशिक के साथ SRK कोलैबोरेशन की कर रहे हैं प्लानिंग? 2023 में शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया जब उनकी 3 फिल्म पठान, जवान और डंकी ने ग्लोबली लगभग 2500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तब से SRK के अगले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बज बना हुआ है। और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक किंग खान ने अपने अगले 2 बड़े एक्शन पैक्ड प्रोजेक्ट्स लॉक कर लिए हैं। पहली जो जॉय घोष की डायरेक्शन में किंग और वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म पठान 2। और अब खबर है कि शाहरुख खान अपनी थर्ड फिल्म को भी फाइनल करना चाहते हैं फिल्म किंग की शूटिंग शुरू होने से पहले। किंग की शूटिंग जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी और मिड 2025 तक रैप अप हो जाएगी। वहीं आदित्य चोपड़ा एम कर रहे हैं कि पठान 2 की शूटिंग एंड ऑफ 2025 या अर्ली 2026 तक स्टार्ट हो जाए। Sources का कहना है, while the shoot schedules of King and Pathaan 2 are locked and on paper, SRK is exploring if he can work on a new age commercial film in between the 2 action-packed entertainers. He is expected to take a call on Amar Kaushik Raj and DK or something else by the end of this year. Sources के मुताबिक शाहरुख खान अभी कई scripts read कर रहे हैं और एक और feature film lock करना चाहते हैं, preferably non-action space में। Source का कहना है कि SRK अमर कौशिक और दिनेश विजन के साथ एक big ticket adventure film के लिए बातचीत कर रहे हैं। Sources ने रिवील किया, शाहरुख खान has met almost every filmmaker in the last few months and heard the ideas they had for him, but nothing really excited him. Now शाहरुख खान is in talks with the 3-2 team of Amar Kaushik and Dinesh Vijin. Source ने आगे बताया कि Amar and Dino have big ticket adventure film for SRK and are exploring the possibilities of a collaboration. It would not be a part of the 3 universe but marks the beginning of a new one. 2-3 meetings have taken place and शाहरुख खान has yet to take a decision on the same. More discussions are expected to take place in the months to come by before he takes a call on doing or not doing the film. वहीं मैडॉक फिल्म के अलावा SRK राज और DK के कॉमिक एक्शन थ्रिलर को लेकर भी बात कर रहे हैं और साथ ही साउथ के कुछ मेकर्स के साथ एक्शन फिल्म्स के लिए बातचीत भी हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ लॉक नहीं हुआ है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ स्टनिंग पिक्चर्स को शेयर किया है विद द कैप्शन व्हेन द ग्लैम इज जस्ट सो गुड। और प्रियंका के इन लुक्स पर उनके फैंस हो गए हैं फिदा और वो PC के हस्बैंड निक जोनस को बता रहे हैं लकी। बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की हो गई है एंट्री। उन्हें पहले तारा सुटारिया के साथ तड़प में देखा गया था जहां उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा था। सनी देओल ने फिल्म का एक टीजर शेयर किया है जिसमें बैकग्राउंड में संदेश आते हैं बज रहा है और इस अनाउंसमेंट वीडियो में अहान शेट्टी का वॉइस ओवर है। अहान बोल रहे हैं, जिसे पार नहीं कर पाता दुश्मन वो ना तो कोई लकीर है ना दीवार और ना खाई, और क्या है ये बॉर्डर, बस एक फौजी और उसके भाई है। वीडियो की शुरुआत में बॉर्डर से सुनील शेट्टी के कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं। शाहिद कपूर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट रही है फिल्म हैदर। इस फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं किया था, लेकिन शाहिद को उनके रोल के लिए काफी तारीफ मिली थी। और अपनी इस फिल्म के 10 साल पूरे होने पर फिल्म के कुछ खास सीन्स की क्लिप को शेयर करते हुए शाहिद ने लिखा है, वो था, वो है और वो ही रहेगा, 10 ईयर्स ऑफ हैदर। रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य चोपड़ा फिल्म वॉर 2 में डायरेक्टर अयान मुखर्जी के काम से इतने खुश हैं कि अपने प्रोडक्शन हाउस की सबसे सक्सेसफुल फिल्म धूम 4 के लिए वो अयान को एज अ डायरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर, जो कि अयान के अच्छे दोस्त हैं, इस फिल्म में मेन लीड प्ले कर सकते हैं।